हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के आजकल के एक फेमस यूट्यूबर के बारे में, जिसका नाम है शामीर अब्बास शाह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों यूट्यूब पर जो पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हैं वो ज़्यादातर रोस्टर ही हैं, जैसा कि डक्की भाई, LNP रिकॉर्ड्स, खुजली फैमिली और इस तरह के बेशुमार यूट्यूबर हैं जो रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब कि किसी की कोई भी हामी देखी और उस पर वीडियो बना देना उसके ऊपर, उसके ख़िलाफ़, और दूसरा फिर उसको रिप्लाई करे। इस तरह इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है, जैसा कि पिछले दिनों डक्की भाई और शामी दरिस की लड़ाई हुई थी। तो डक्की भाई ने एक वीडियो बनाई थी जिसको तकरीबन 4 मिलियन प्लस व्यू मिले थे, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शामीर अब्बास शाह के बारे में। ये भी एक रोस्टर ही हैं, प्रैंक स्टार भी हैं, और इनकी आजकल जिनके साथ लड़ाई है, एक यूट्यूबर हैं मैंगो रिकॉर्ड्स और दूसरा जो है जो मंटेरियस, इनके साथ इनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो है ये पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर आजकल यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि ये पिक्चर शामीर अब्बास शाह की है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या ये पिक्चर वाकई शामीर अब्बास शाह की है या नहीं। तो पहले तो ये बात करते हैं कि ये पिक्चर वायरल किस तरह हुई। तो काफ़ी दिनों से कुछ यूट्यूबर्स इस पिक्चर को अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ह्यूमनटेरियंस, इस तरह का कुछ नाम है ह्यूमनटेरियंस, उन्होंने ये पिक्चर अपने थंबनेल में यूज़ की और साथ ही कहा कि ये पिक्चर शामीर अब्बास शाह की है, उसके खिलाफ पूरी वीडियो बना डाली। तो फिर शामीर अब्बास शाह ने उनको मैसेज किए और इनके दरमियान थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। तो इसके बाद एक और यूट्यूबर है जिनका नाम है मैंगो रिकॉर्ड्स, उन्होंने शामीर अब्बास शाह को अपने पास बुलाया और दोनों के दरमियान बातें हुई इस पिक्चर के बारे में। वहाँ भी शामीर अब्बास शाह ने यही कहा कि ये पिक्चर उनके नहीं है। तो मैं इस पिक्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये पिक्चर बिल्कुल फेक है, ये पिक्चर 100% फेक है, ये पिक्चर बिल्कुल भी शामीर अब्बास शाह की नहीं है, क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर्स ने भी इस पिक्चर को अपनी वीडियोज़ में यूज़ किया है उन्होंने सिर्फ आधी पिक्चर यूज़ की है। अगर ये पिक्चर वाकई शामीर अब्बास की होती तो वो पूरी पिक्चर यूज़ करते, साथ ही साथ चेहरा भी शामीर अब्बास का दिखाते। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉडी इससे शामीर अब्बास से मिलती है, इस वजह से जो शामीर अब्बास के दुश्मन हैं उन्होंने इस पिक्चर को अपनी वीडियोज़ में यूज़ किया और फेक व्यू और सब्सक्राइबर हासिल किए, लेकिन ये पिक्चर बिल्कुल फेक है। तो जो यूट्यूबर हैं ह्यूमनटेरियंस, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये पिक्चर इस बंदे की है या नहीं, तो किस तरह आप गारंटी के साथ एक पिक्चर को अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक तो आप लोगों को सस्पेंस में डाल रहे हैं और दूसरा किसी बंदे पर आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप पूरी पिक्चर यूज़ करें, साथ चेहरा भी लोगों को दिखाएं। इतनी अगर आप कन्फर्म हैं, आप अगर श्योर हैं इतना है कि ये पिक्चर इसी बंदे की है, तो आप पूरी पिक्चर को यूज़ करें, साथ साथ चेहरा भी दिखाएं ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि शामीर अब्बास शाह पाकिस्तान के कितने अच्छे यूट्यूबर हैं, उनके जो है 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तान के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें आते हैं, और उनके खिलाफ बिना प्रूफ के आप इस तरह की जो फोटो है वो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप पूरी पिक्चर अपलोड करें, लेकिन इस तरह बिना प्रूफ के आप इतने बड़े यूट्यूबर के खिलाफ इस तरह की फोटो अपलोड करें, इस तरह करना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस करें। इससे यह होगा कि आगे फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो बजाय नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन इस तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो इस तरह मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।